जो झंडा है वो गौ माता की खून से लदा हुआ है बीजेपी। क्योंकि उसी से ये लोग पैसा लिए हैं, 250 करोड़ रुपया लिए हैं, उसी पैसे से झंडा लिए हैं। तो गौ माता के खून से तरंगे हुए हैं इसके झंडे, उसे छींटे लगे हैं। और ये बड़े धार्मिक बनते हैं, गौ माता के बड़े भक्त बनते हैं, और यहाँ से रोज टके जा रही है छत्तीसगढ़ से बूचड़खाने में। बाघ नदी में पकड़ा गया, पुलिस वाले के रौंदते हुए चली गई, और उस बूचड़खाने से पैसा ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ यही होता है कि आपके झंडे का उस गौ माता के खून से रंगे हुए हैं, पैसा आपने लिया। यदि आप सच में यदि सनातन की बात कर रहे हैं तो कम से कम ये बूचड़ खाने वाले से पैसा नहीं लेते, वैक्सीन वाले से पैसा लिए हैं जिससे लोगों की मौतें हो रही है, उससे भी चंदा आपने डकार लिया। छत्तीसगढ़ की जनता एक बार फिर कांग्रेस के साथ आएगी सर? बिल्कुल, इस समय देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस की सरकार चली जाएगी। लोग उसे उसे झटका लगा और लगा कि हमसे कहीं भूल हुई, चूक हुई, उसकी भरपाई भी करेंगे। और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो बड़ी ताकत दे रहा है, क्योंकि आज महंगाई और बेरोजगारी सब लोग परेशान है। ऐसे समय में कांग्रेस घोषणा पत्र एक राह दिखाती है, एक आशा की किरण है जिससे महंगाई से और बेरोजगारी से निजात मिल सकता है।